नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo Y12s versus Samsung Galaxy F12 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Vivo Y12s में 6.47 इंच जबकि Galaxy F12 में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो Vivo Y12s में 3 इंच जबकि Galaxy F12 में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Vivo Y12s में 0.33 इंच जबकि Galaxy F12 में 0.38 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Vivo Y12s से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Vivo Y12s में 191 ग्राम जबकि Galaxy F12 में 221 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Vivo Y12s से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Vivo Y12s में IPS LCD जबकि Galaxy F12 में RTFT LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Vivo Y12s में 6.51 इंचेस जबकि Galaxy F12 में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Vivo Y12s में 81.57% जबकि Galaxy F12 में 81.95% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 270 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Vivo Y12s में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है, और Galaxy F12 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, उल्टा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Vivo Y12s में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 2 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और Galaxy F12 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Vivo Y12s में पावर GE8320 जबकि Galaxy F12 में Mali G52MP1 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Vivo Y12s में MediaTek Helio P35 और Galaxy F12 में Samsung Exynos 8850 मिलता है। बात करें RAM की तो Vivo Y12s में 3GB की RAM मिलती है जबकि Galaxy F12 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Vivo Y12s में 32GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Galaxy F12 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Vivo Y12s में अप टू 256GB जबकि Galaxy F12 में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Vivo Y12s में Android V10 Q जबकि Galaxy F12 में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Vivo Y12s में 5000 mAh जबकि Galaxy F12 में 6000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Vivo Y12s में 2 कलर्स जबकि Galaxy F12 में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
वीवो Y12s में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ ₹9,990 में मिल जाता है। वही अगर बात करें गैलेक्सी F12 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ₹10,999, 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹11,999 में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो दोनों फोन में 3 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में गैलेक्सी F12 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में गैलेक्सी F12 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Poco M2 Pro है, जो कि ₹12,999 में मिलता है। दूसरा Vivo Y20 है, जो कि ₹12,494 में मिलता है। तीसरा Oppo A15 है, जो कि ₹9,798 में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 9 Power है, जो कि ₹10,499 में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।